हेलो दोस्तों नमस्कार, ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज एक पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुआ है उसके ऊपर जानकारी दी थी। उसी जानकारी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके, और साथ साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगला जो 2 तारीख को केस नया डेट दे दिया गया है, नई तारीख 2 तारीख है, उससे आनवर्ड 3 दिनों तक लगातार केस में सुनवाई चलेगा ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके, ऐसा क्यों हुआ, क्या इसकी जानकारी है, पूरी की पूरी जानकारी को विस्तृत तरीके से जानेंगे आज के नए वीडियो में। दोस्तों समय को न गंवाते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो पे भरोसा रहता है, हमारे चैनल पे भरोसा है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे ही YouTube चैनल पे देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज के डेट के बारे में तो बताऊंगा ही, उसके पहले मैं कल शाम की बात बता दूं आपको कि कल शाम को ही माननीय जो प्रवीण कोहली जी हैं उनके जो तो स्टेटस में देख रहा था मैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया गया था किए थे वो कि अभी तक में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल कॉल के लिए जो है मतलब होता है फाइनल कॉल के लिए जो उसका नोटिस निकाला जाता है जिसमें पीछे बैकग्राउंड में चल भी रहा है, आप इसे देख भी सकते हैं, उसमें कहीं भी नहीं मतलब कि जिक्र नहीं था, कहीं भी शो नहीं था। तो उन्होंने जो उनके लायर हैं उनसे शायद बात किए, वो बात करने के बाद में पता भी किए थे कि अभी तक में ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कॉल लिस्ट होती है उसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स की केस को लिस्टेड नहीं किया गया है। उन्होंने बताया था कि जैसे ही लिस्टेड होगा मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद उनका एक दूसरा पोस्ट आया था जो आज के डेट में आया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने के लिए तैयार हो चुका है, जो तो फाइनल कॉल लिस्ट में नाम आ चुका है यानी कि आज सुना जाएगा। और आज जो तो उनको बताया भी गया, पता चला, जानकारी चली कि 9:30 बजे से आज केस की सुनवाई है कोर्ट नंबर 2 में। उनके लायर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, ये उनके लायर के मुताबिक प्राप्त जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि कोर्ट नंबर 2 में 9:30 पे केस को सुना जाना था, किस इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। लेकिन इस जो तो अभी केस जब 9 बजे हेयरिंग शुरू हुई उस दौरान यह बात सामने आई कि स्पेशल बेंच में इस केस को जो तो रेफर या ट्रांसफ़र किया जाता है, इसकी जो सुनवाई है वह 2 अगस्त से सुनवाई शुरू हो जाएगी और ऑनवर्ड 3 दिनों तक चलेगी, लगातार 3 दिनों तक इसकी सुनवाई होगी। इसका भी अलग से जो आया था उससे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि इसको मैंने अपने वीडियो के टाइमलाइन पे लगा दिया है, वहाँ से भी आप जो है तो जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों समस्या वहाँ नहीं है, समस्या ये है कि बहुत सारे जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि आज जो तो उनके केस में फैसला हो जाएगा और जो भी फैसला हो कम पेंशन मिलेगी या ज़्यादा पेंशन मिलेगी, यानी कि जो एक प्रकार से समझ सकते हैं भरोसा था, विश्वास था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो तो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन से कर रहे हैं कि सिर्फ हमें तारीख से तारीख मिल रही है, पेंशन वृद्धि का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, देखिए कोर्ट प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा समय लगता है और समय के साथ ही आगे काम किया जाता है, लेकिन माननीय कोर्ट से भी मैं जो तो प्रार्थना करता हूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए और जो तो उनकी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने की एक लालसा है, मतलब कि मन के अंदर में एक लालसा है, बहुत कम समय उनके पास बचा हुआ है, मतलब कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ साल बचे हुए हैं, तो उन कुछ सालों के लिए उन्हें जो उनको चाहिए अगर उनको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद से ईपीएस 95 पेंशनर्स जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे उसे सुनने के लिए, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा उनको थोड़ा सा निराश करने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं है, जितना देर लगता है उतना अच्छा परिणाम उसका निकल के आता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को मैं बात बताना चाहता हूं कि जितने लेट से होगा हो सकता है कि उतना अच्छा ही परिणाम आपको देखने को मिले।
तो 2 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है माननीय, 2 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का फैसला लिया जाएगा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, वो तो देखने वाली बात है। फिलहाल दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला, क्या अपडेट वहाँ से निकल के आती है ईपीएस 95 पेंशन के लिए, पल पल की अपडेट जो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन के लिए क्या अपडेट सामने निकल के आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।